दोस्तों एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे अरुण गवली के सबसे बड़े शार्प शूटर में से एक और उसका दगड़ी चाल में रहने वाले बचपन के दोस्त सदा मामा पावले के एनकाउंटर का आंखों देखा हाल, उस शख्स का वो बयान जो उसने हाई कोर्ट में दिया और वो हाई कोर्ट में बयान पुलिस के केस में नहीं दिया। जब ये एनकाउंटर होता है 97 में 26/9 को, उसके बाद बहुत बड़ा एक ह्यू एंड क्राई खड़ी होती है अखबार में और आम लोगों में कि ये फेक एनकाउंटर है। उसको लेके सदा पावले की बहन, उसका भाई और उसके भाई की पत्नी, ये तीनों जो उस समय उस गाड़ी में सवार थे, इन लोगों ने एक पेटिशन दायर की थ्रू पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज PUCL, एक बहुत एक्टिव संस्था हुआ करती थी एक समय में, जिसमें बड़े बड़े समाज सेवी, एडवोकेट, सोशल वर्कर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट काम किया करते थे। आजकल थोड़ा सा उसकी गतिविधियां काफ़ी कमज़ोर पड़ गई लगती हैं। तो उन लोगों ने एक पेटिशन दायर की हाई कोर्ट में कि ये एक स्टेज्ड एनकाउंटर है, हकीकत कुछ और है। और उन लोगों को जब वो सरेंडर कर रहे थे उसके बावजूद उनको भरे चौक में मारा गया, जहाँ पे 250 और विटनेस भी थे, सबके सामने ये एनकाउंटर हुआ और ये फेक एनकाउंटर था। उसमें जो सुनवाई हुई उसमें ये तीनों जो एक तरीके से सदा पावले के रिश्तेदार थे, लेकिन एक कितने इंडिपेंडेंट विटनेस था जिसका इनकी फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं था। मरने वाला एक और शख्स जो सदा पावले के साथ था, वो भी अरुण गवली का एक डेयरिंग शार्प शूटर विजय टांडेल था। तो इन दोनों के एनकाउंटर का सबसे इंडिपेंडेंट गवाह था एक सरदार जी, जिसका नाम है बलदेव सिंह पनेसर। एक आपने मॉन्टी पनेसर का नाम सुना होगा, जो एक जमाने में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में स्पिन बॉलर हुआ करता था, सरदार जी, वही सरनेम इस बलदेव सिंह पानेसर का है। इस आदमी ने जो बयान दिया वो बहुत आंखें खोल देने वाला है। एनकाउंटर कैसे होते हैं उसकी पूरी कहानी आज तक अगर किसी आदमी ने बताई है तो इस बलदेव सिंह पानेसर ने हाई कोर्ट में बताई PUCL की रिट पटिशन पे। और देखिए कितनी हिम्मत होगी उस आदमी में, जब अरुण गवली गैंग का दबदबा चल रहा था, इतने बड़े क्रिमिनल्स के एनकाउंटर के बाद वो आदमी सच बोल रहा है, ना तो पुलिस से डरा ना बदमाशों से डरा, एक बिल्कुल सच्चाई जो उस आदमी ने बयान की वो मैं आपको सुनाता हूँ, जो आपने नहीं सुनी होगी कभी। अब बलदेव, बाकी सदा पावले का पूरा किस्सा एनकाउंटर क्या हुआ नहीं हुआ वो 2-3 एपिसोड हम पहले बना चुके हैं, बहुत सारी बातें उसकी मीडिया में आगे सबके देखने के लिए शामिल भी हैं, कोई भी देख सकता है। लेकिन बलदेव सिंह का बयान शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, और मैंने उस समय के जो PUCL के एक्टिविस्ट थे उनसे भी बात की, उनमें से एक लो आदमी को ये पूरा किस्सा अच्छी तरह याद है, जो आज भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वकील हैं। तो उनका कहना था कि इस पूरे केस में जो सच्चाई बलदेव सिंह पानेसर ने बयान की वो काबिले तारीफ है, काबिले गौर है, वो वकील साहब आज भी मानते हैं। आप देखिए पूरा किस्सा बलदेव सिंह ने हाई कोर्ट में विटनेस बॉक्स में खड़े होके जज साहब को कैसे बताया। पनेसर ने कहा कि मेरा एक दोस्त था, है आज भी है, आनंद पावले, वो
घाट कोपर के रेलवे क्वार्टर में रहता है। उसका मुझे 26/9 को फ़ोन आता है 97 को कि भैया आ जाओ, शिरडी जाना है, कुछ रिश्तेदार आए हैं बाहर से उनके साथ। तो बलदेव सिंह पानेसर बहुत अच्छा ड्राइवर था, आनंद पावले के साथ, सदा पावले के भाई के साथ उसके कई सालों से दोस्ती थी, लेकिन ना तो आनंद पावले का अंडरवर्ल्ड से कुछ लेना देना था और ना ही बलदेव सिंह पानेसर का कोई क्राइम की, जुर्म की दुनिया में कोई वास्ता था। वो तो अपने बाप के साथ अपना ड्राइविंग का काम करता था, कभी कभी जब दोस्त कहीं जाते थे मिलके तो साथ में चला जाता था गाड़ी चलाने के लिए। अब आनंद पावले के पास एक फीएट गाड़ी हुआ करती थी, महाराष्ट्र के बॉम्बे के रजिस्टर 1778 उसका नंबर था शायद। वो गाड़ी चलाने के लिए आनंद पावले ने बलदेव सिंह पानेसर को बुलाया और बलदेव सिंह पानेसर का कहना है कि मैं उसके घर के नज़दीक ही रहता था, 1 बजे उसका फ़ोन आया था और मैं 2 बजे के करीब उसके घर पहुंच गया, 1 घंटे के अंदर अंदर। और वहां से हम गाड़ी में बैठे, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा, मेरे साथ आनंद पावले बैठा और साइड वाली जो सीट थी तीसरी सीट उस पे जो आनंद पावले की जो वाइफ है वो बैठी थी। तो तभी आपको बता दूं कि एक फीएट गाड़ी के आगे 3 आदमी आराम से बैठ जाते थे, बकेट सीट का रिवाज नहीं होता था, एक ही लंबी सीट हुआ करती थी और बड़ी स्टर्डी गाड़ी थी फीएट। उसके चलते पीछे वाली सीट पे एक आनंद पावले और सदा पावले की सिस्टर गौराबाई वो बैठी थी और साथ में आनंद पावले ने मुझे बताया कि जो दो हमारे जो रिश्तेदार हैं जो बाहर से आए हैं इनमें से एक का नाम अजय है और दूसरे का नाम भास्कर है। अब वो दोस्त पीछे बैठ के, मैंने पूछा नहीं कि कहाँ से आए, क्यों आए, आपकी क्या रिश्तेदारी है, मेरी तो आनंद से दोस्ती थी, मुझे गाड़ी चलानी थी, मैंने इसलिए कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। इनकी बहन को मैं जानता था, गौराबाई को, उसको मैंने नमस्कार किया, सबको नमस्कार किया और मैं गाड़ी बैठ के, सब बैठ के तो हम लोग रेलवे क्वार्टर घाट को ऊपर से निकले ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ आने के लिए, जो रास्ता थाना क्रॉस करके मुंबई से निकले थाना, वहाँ से राइट नासिक की तरफ जाता है, वो रोड पकड़ने के लिए हम लोग जा रहे थे। तो घाट को ऊपर जो जंक्शन है राजाबाड़ी हॉस्पिटल के करीब, उसको राजाबाड़ी जंक्शन कहते हैं वो, और MG रोड एक महात्मा गांधी रोड, राजाबाड़ी घाट का ऊपर रोड नंबर 7 और MG रोड का एक जंक्शन पड़ता है जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं। तो बलदेव सिंह ने कहा कि जैसे ही हमारी गाड़ी उस जंक्शन पे रेड सिग्नल पे रुकी तो अचानक सामने से एक गाड़ी मारुति सिल्वर कलर की, मारुति 800 मेटलिक कलर था, वो हमारी गाड़ी के आगे आके रुकती है और उसमें से 4-5 लोग निकलते हैं और कुछ लोग दूसरी डायरेक्शन से भी आते हैं, सबके हाथ में एक एक रिवॉल्वर या वेपन जो भी पिस्टल था और एक एक वेपन उनके आगे पैंट में बेल्ट के ऊपर लगा हुआ। तो तकरीबन हर शख्स के पास 2-2 वेपन थे और उनमें से एक आदमी के पास एक कारबाइन भी थी, तो एक ऑटोमेटिक वेपन बड़ी और इतने 2-2 हथियार हर आदमी के पास। तो हमारी गाड़ी को घेर लिया जाता है, पास कोई नहीं आते, दूर रहते हैं। और जैसे ही वो कुछ लोगों ने वहाँ सवाल करना शुरू किया कि आप लोग कौन वैसे, तो उनको सबको बता दिया कि हम पुलिस वाले हैं। इतने में एक पुलिस वायरलेस मैन लोकल आ जाती है, लोकल उस एरिया में जिसको पुलिस मोबाइल कहते हैं, नीले रंग का बड़ी गाड़ी होती थी, उसमें से कुछ लोग उतर के आते हैं। तो इन पुलिस वालों में से एक आदमी उनको मराठी में कहता है कि कोई घबराने की बात नहीं है, हम भी पुलिस वाले हैं, आप अपनी वैन उस खंभे के पास जाके लगा दो साइड में। वो पुलिस वाले चले गए, वो समझ गए कि ये कोई चक्कर होने वाला। अब उसके बाद
वो साक्ष जिसके पास कार्बाइन थी, वो साक्ष आता है और बलदेव सिंह पानेसर की पीछे गर्दन पे वो वेपन लगा देता है कि गाड़ी चलाना नहीं और चाबी निकाल के नीचे फेंक दो, भागने की कोशिश मत करना। बोलता मैंने वैसा ही किया जैसे बोला। और उसके बाद जो आगे दो एक आनंद और उसकी पत्नी, उनको बोला आप गाड़ी से बाहर निकलो, उनको कहा साइड में खड़े हो जाओ उधर जाके। उसके बाद जो पीछे तीन लोग बैठे थे जिनमें एक अमर अपना भास्कर अजय और सदा पावले और अनंत पावले की सिस्टर गौराबाई। उसके बाद इसको पता चला बलदेव सिंह, क्योंकि जिसका नाम मुझे अजय बताया गया था वो असल में अनंत का ही भाई सदा पावले था, और दूसरा आदमी जिसका नाम भास्कर बताया गया था वो और कोई नहीं विजय टांडेल था। तो इनकी सिस्टर जो खिड़की के पास बैठी थी उसको कहा गया बाहर आ जाओ, तो वो नहीं निकली। इन तीनों ने अंदर से डोर लॉक कर लिए, गेट का एक को खोलने वाला लीवर होता तो उसको नीचे करवा कर देते थे तो लॉक लग जाता था, वो बाहर से नहीं खुलता था, कांच बंद थे। अब पुलिस वाले इनको बोल रहे आप दरवाज़ा खोलिए, ये रिसर्च कर रहे थे। पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती से दरवाजे खोलने की कोशिश की तो काफ़ी मशक्क़त के बाद वो दरवाजे खुला एक तरफ का, लेफ्ट साइड का, और उसमें से इनकी सिस्टर गौराबाई बाहर निकलती और वो पुलिस वालों से हाथ जोड़ के बेनती करती। ये बात पनेसर ने अपने बयान में कोर्ट में बताई कि सबको बोलती है कि आप मेरे भाई को क्यों मारना चाहते हो, इतने बंदूक हथियार लेके आप क्यों उसको डरा रहे, उसने सब कुछ छोड़ दिया है, हम शिरडी के मंदिर जा रहे हैं भगवान के पास और वहाँ पे कसम खाने जा रहे हैं सब लोग कि आगे से भी मेरा भाई और उसका साथी कोई इस किस्म की गतिविधि नहीं करेंगे। और उसके बाद ये भी हमने फैसला किया था कि वापस आके कोर्ट में जाके पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे कि जो सज़ा कानून की बनती है हमें दे दो, ये हम सोच के चले थे। तो इसलिए आप कोई गलती मत करो, आपको जहाँ हमें लेके जाना है लेके चलिए, हम आपके साथ जाते हैं। ये एक मोनोलॉग किस्म का छोटा सा भाषण पुलिस वालों के लिए गौराबाई सदा पावले की बहन ने दिया, जिसको सैकड़े लोगों ने सुना, और लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। और बड़ी जिसको कहते हैं एक हवा क्रिएट करके गंज तान के पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन थी कि अरर के तांदल के पास, विजय तांदल के पास AK-56 गन है, राइफल है। वो पुलिस को इसलिए डरते भी थे कि कहीं उसने आगे से अगर फायर अंदर बैठ के ओपन कर दी तो खतरा हो सकता है, इसलिए पुलिस वाले भी थोड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहे थे। आगे चलते हुए बलदेव सिंह ने कहा कि उसके बाद पुलिस ने पहले राइट साइड का दरवाज़ा खोल के विजय टांडल को बाहर निकाला, और उसके पास विजय टांडल के पास कोई हथियार नहीं था, उसको गाड़ी से 6-7 फीट दूर ले जाके खड़ा किया, उससे कुछ लोगों ने सवाल जवाब किए और उसने हाथ खड़े कर दिए विजय टांडल ने। उसके बाद उसने कहा कि आपको जहाँ लेके जाना लेके जाइए, लेकिन हमारा एनकाउंटर मत कीजिए, इतने लोग खड़े हैं देख रहे हैं, हमने कोई आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही विजय टांडल कुछ झुकने लगा, उसको जिस तरीके से खींच के लेके गए तो विजय टांडल की शर्ट आगे से फट गई थी, उसकी तलाशी वगैरह जो हाथ लगा के झपकी लेते हैं किया तो कोई उसके पास वेपन नहीं थी। उसके बाद उसको बोला नीचे बैठ, उसको नीचे बैठा लिया। उसके बाद उसने कुछ क्या बोला वो बलदेव सिंह का कहना है कि पीछे था दूर, वो उनकी आवाज़ विजय टांडल की मेरे पास नहीं पहुंच रही थी। उसके बाद जब उससे बहस हो रही थी पुलिस वालों की, उसको
बहुत जोर से पेट में उसके एक ठुड्डा मारा गया। पुलिस वाले थे वो उसके मुताबिक को विदेश तलाश करने मारा था और वो झोंक के नीचे बैठ गया। वो बैठने से कतरा रहा था। उसके बाद उसको बहुत गंदी गंदी गालियाँ बलदेव सिंह का कहना है कि पुलिस वालों ने दी। और जब ये वो ड्रामा हो रहा था तो बलदेव सिंह को वहाँ से निकाल के गाड़ी से गाड़ी के दूसरी तरफ खड़ा कर दिया कि अब वहाँ खड़े रहो। अब बलदेव सिंह सब देख रहा है, जो आवाज़ सुनाई देती है वो सुन रहा है। उसके बाद अचानक एक आदमी आता है पीछे से और वो तीन चार फुट की दूरी से विजय तांदल के पेट में गोली मार देता है, जिस तरफ वो मुँह करके बैठा था। उसके बाद एक दूसरा आदमी आता है, वो भी दूर खड़े के उसके सर में गोली मारता है। ऐसे तीन चार गोलियां चलती हैं और विजय तांडल वहाँ पे ढेर हो जाता है। उसके बाद अब अकेला आदमी गाड़ी में बैठा हुआ था सादा पावले, दूसरी तरफ जाके पुलिस वाले ने उसको खींच के बाहर निकाला। और जैसे ही सादा पावले को गाड़ी से बाहर निकाला, उसकी बहन उसको आके लिपट गई गौरवा, और पुलिस वालों कहती है कि अब चुराओ गोलियां, मैं इसके साथ मरूंगी, इसको छोड़ूंगी नहीं। अब वहाँ पे कशमकश होती है जो कुछ मिनट चलती है। ये बलदेव सिंह का बयान है। पुलिस वाले तीन आदमी, बलदेव सिंह ने बयान में कहा कि तीन आदमी गौराबाई को खींच रहे थे और तीन आदमी सदा पावले को खींच रहे थे, लेकिन बहुत लंबी जद्दोजहद तक दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा और इसके भी सब लोग गवाह थे जो वहाँ देख रहे थे। अब काफ़ी मशक्क़त के बाद गौराबाई को खींच के उन लोगों ने पीछे धक्का दे के करा दिया और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी सदा पावले के ऊपर और उसको भी वहीं पे ढेर कर दिया। उसके बाद एक आदमी हवलदार जाता है। बलदेव सिंह ने ये किस्सा पूरा सुना, देखा और कोर्ट में सुनाया। उसके बाद उसी वैन को, जो पुलिस की वैन आई थी, मोबाइल वैन, आपको बता दूं कि पुलिस की हर मोबाइल में दो तीन स्ट्रेचर रखे होते हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट विक्टिम हो, क्राइम सीन पे गए तो इंजर्ड को हॉस्पिटल लेके जाना, तो उनके जो पीछे कॉन्स्टेबल बैठ की सीट होती है, सीट के नीचे स्ट्रेचर रखे होते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो भी सब प्री प्लान था, सबको पता था क्या होने वाला है, वो तो एक लोगों को दिखाने के लिए कि देखो पुलिस वाले भी वहाँ पे थे जिनके सामने सब हुआ है, तो उनको स्ट्रेचर लाने को कहा गया और उस स्ट्रेचर पे दोनों की लाश रखी गई और उसी वैन में रख के कुछ ऑफिसर उसके साथ चले गए और उनको बोला गया कि इनको राजाबाड़ी हॉस्पिटल में ले जाओ। तो वैन दो बॉडी लेके चली जाती। उसके बाद बलदेव सिंह पानेसर को एक ऑफिसर पकड़ के उसी मारुति गाड़ी में बैठा देता है पिछली सीट में जिसमें ये सब लोग बैठ के आए थे, और उसमें एक आदमी और बैठा था जो पुलिस वाला नहीं लगता था। अब इसके बारे में पानेसर ने कोर्ट में कुछ नहीं कहा क्योंकि उसको पता ही नहीं था तो आदमी है कौन, लेकिन कहा यह जाता है कि वो दगड़ी चाल का कोई खास खबरी था जिसने सदा पावले की पूरी जो स्कीम थी, जो एक रात पहले जो प्लान बना था कि वो शिरडी जाएगा, वहाँ से कसम खा के वापस आके कोर्ट में पेश हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अरुण गबली का एक और बड़ा साथी सुरेल घाटे कोर्ट में पेश हो के सब छोड़ छड़ा के जेल चला गया था और आज जेल से अपनी सज़ा पूरी करके एक बहुत बड़ा फार्म हाउस और एक अपना क्लब चला रहा है तलेगांव पूना महाराष्ट्र मुंबई के बीच में, वहाँ पे खैर कुछ इसी किस्म का करने का इरादा था सदा पावले का। वो थक गया था, नहीं चाहता था, और कुछ अरुण गावली से डिफरेंसेस भी हो गए थे। कहा तो ये भी जाता है कि शायद अंदर खाते कहीं अरुण गावली भी उससे खुश नहीं था, उससे छुटकारा पाना चाहता था। खैर वो इनकी आपस की बातें हैं, वो जाने। उसके बाद पानेसर को उस गाड़ी में बैठा दिया गया।
उसके बाद ही लोग एक एक करके गाड़ी में बैठे और दोनों गाड़ियों में बैठ के घाटकोपर पुलिस स्टेशन चले जाते। वहाँ पे जाके वो जो पंचनामा लोकल पुलिस का होता है उसकी कार्रवाई होने लगी। उसके बाद दूसरा एक स्टार विटनेस जो पुलिस की तरफ से पेश किया गया और उस हियरिंग में ना तो विजय सलाद कराया ना दूसरे लोग जिन्होंने फायरिंग की थी वो आए, सिर्फ पानेसर की एक बयान होता है क्योंकि कोर्ट केस तो बाद में चल रहा था, ये तो एक स्पेशल रिट पटिशन थी जिसकी कार्रवाई चल रही थी। उसके पहले एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हो चुकी थी जिसमें उस मजिस्ट्रियल ने अपना जो उसने जो बयान दर्ज किए थे उसमें बलदेव सिंह का बयान भी था और बाकी पुलिस वालों के बयान भी थे, लेकिन किसी जो 200-250 लोग खड़े देख रहे थे उनमें से किसी भी इंडिपेंडेंट विटनेस का कोई बयान नहीं था, या तो कोई सामने नहीं आया या कहीं कोई कोशिश नहीं की गई उनका बयान दर्ज करवाने। तो ये बयान देते हैं सब इंस्पेक्टर माइकर जो सलाश करके खास थे। माइकर ने तकरीबन सारा किस्सा इसी तरह सुनाया लेकिन शुरुआती फर्क के साथ। उसने कहा कि मुझे सुबह सलाशकर साहब का फोन आया था कि 2 मारुति गाड़ियाँ प्राइवेट अरेंज करो, एक ऑपरेशन पे जाना है। तो मैंने वो 2 गाड़ियाँ अरेंज की। उसके बाद जो ऑफिसर आते हैं मेरे पास पुलिस स्टेशन में, वहाँ से हम ये दोनों गाड़ियाँ लेके निकलते हैं और 2:15 के करीब हम लोग घाटकोपर रोड नंबर 8 और MG रोड के जंक्शन पर मिलते हैं। वहाँ पर ये ऑपरेशन शुरू होता है। तो उसने कहा कि मैं जब वहाँ पे पहुँचे इनकी गाड़ी को रोका गया। उसके बाद सबसे पहले जो विजय टांडेल था वो बाहर निकलता है AK-56 गन लेके और हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। हम उसको वार्निंग देते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, गोली मत चलाना, लेकिन जैसे ही उसने निशाना साधने की कोशिश की तो मैंने एक गोली चलाई जो उसके लगी। उसके बाद उसने गोली चलाई जो मुझे लगी और उसके बाद 2-3 गोलियां हवलदार अरुण जाधव ने चलाई जिससे हाथ वो नीचे गिर गया और एक गोली अरुण जाधव को भी लगी, एक के हाथ में एक के आम में। तो ये माइकर ने बताया, ये वही अमर जाधव है जब मुंबई हमले के बाद सलाशकर कामते और इनका अपने जो पुलिस ऑफिसर सीनियर करकरे साहब इनका कत्ल होता है, बड़ी जो पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे उसी गाड़ी में पीछे अरुण जाधव भी था और ये अकेला आदमी था जो उस गाड़ी में से बचा था। वो किस्सा आपको मैंने सुनाया भी है और आज भी पुलिस फोर्स में है, वो काम कर रहा है। तो अरुण जाधव वो साक्षी था जिसने गोली मारी थी विजय टांडेल को और उसके बाद उसके मरने के बाद सदा पावले ने या शायद सदा पावले के पास AK-46 थी और टांडेल के पास रिवॉल्वर था, तो उसने गोली चलाने के पहले मार के फिर सदा पावले ने 56 निकाली और पुलिस के ऊपर निशाना साधा और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चला के हमने, ये माइकर ने बताया कि इन उसको हमने उसको गिराया। उसमें कोई जिक्र नहीं है जो बलदेव सिंह ने कहा था कि उसकी बहन ने अपने भाई को पकड़ के खड़ी रही इतनी देर, पुलिस वालों से उसने विनंती की कि मेरे भाई को मत मारो, ये कुछ माइकर ने अपने बयान में नहीं बताया। सो दोस्तों ये किस्सा था और उसके बाद 97 में ये कांड हुआ और उसके 2 दिन पहले, अब देखिए इतने सालों से सदा पावले और विजय टांडेल का खेल चल रहा था अरुण गवली के साथ मिलके, लेकिन एक दिन पहले वो नारीमन पॉइंट पे एक बड़ी हाई राज अपार्टमेंट में एक बड़े बिल्डर नथु भाई देसाई का मर्डर करके आते और दूसरे ही दिन ये एनकाउंटर प्लान कर लिया जाता है। मतलब आप गरीब आदमी को छोटे को मारो कोई पूछने वाला नहीं,
एक बड़े आदमी का मर्डर हो गया फिरौती के लिए, तो पुलिस फोर्स एक्शन में आ जाती है। तो दोस्तों ये कहानी थी पूरी उस आई विटनेस की। अब मेरी एक जो सोर्सेज हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि किसी तरह उस बलदेव सिंह को ढूंढ के उससे बात की जाए, कुछ अच्छे इशारे मिल रहे हैं, उसको लोकेट ट्रेस किया जा चुका है और कॉमन फ्रेंड बीच में पढ़ के उसके साथ बात करके मनाने की बात कर रहे हैं। जैसे ही कोई डेवलपमेंट होगी तो मैं आशा करता हूँ कि पूरा किस्सा बलदेव सिंह की ज़बानी भी आपको सुनाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, और साथ में मैं आपको कुछ तस्वीरें इसके साथ दिखाई हुई हैं, बीच बीच में आपने देखी होंगी, उनमें से एक तस्वीर उस गाड़ी की है जब उस सिग्नल पे खड़ी थी एनकाउंटर के बाद। उसका दरवाज़ा खुला हुआ है, सफ़ेद कलर की फीएट गाड़ी जिसके पास विजय सलाजकर खड़े हैं, और साथ में जो उस समय के क्राइम ब्रांच के इंचार्ज थे परमवीर सिंह, जो पिछले दिनों बहुत सुर्खियों में रहे हैं, वो तस्वीर उस समय की है एनकाउंटर जब हुआ। उसके कुछ समय के बाद परमवीर सिंह वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वो तस्वीर एक बहुत रेयर तस्वीर है जो मेरे एक साथी ने भेजी मुझे मुंबई से, उनका मैं शुक्रिया करता हूँ। दो तीन दिन पहले ही मैंने सबको रिक्वेस्ट की थी कि तस्वीरें भेज दो, उन्होंने मुझे भेजी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले दिनों में भी इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके, और एक तस्वीर जो और बीच में है वो सदा पावले को जब क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था उसमें नीचे बैठा हुआ है और उसके साथ उस समय के क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर विष्णु कुंभार खड़े हैं लंबे कद वाले, और दूसरी तरफ जो एसीपी क्राइम थे एस के बाबर वो खड़े हैं। तो ये तस्वीरें बीच बीच में आपने देखी, आप हैरान होंगे कि ये कौन लोग हैं कौन नहीं हैं, इसलिए मैं पहले बताना भूल गया था आपको। बलदेव सिंह की कहानी में मैं खुद भी इतना मस्त हो गया था, तो लेकिन चलो अभी आप दोबारा देख लो वो तस्वीरें, आपको मालूम पड़ गया कौन कौन है। तो आने वाले दिनों में इस किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।